नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्तेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीक्यू टीवी। बीक्यू टीवी के इस नए एपिसोड में मैं दीप्तेश आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम रिजल्ट्स के ऊपर कुछ जोक सुनाऊंगा। रमेश अपने बेटे सोनू को बोलता है, देख बेटा, इस बार तू एग्जाम में चाहे पास हो या फेल हो, मैं तुम्हें बाइक जरूर दिलवाऊंगा। ये सुनके रमेश की बीवी बोली, अरे ये क्या, सोनू फेल होगा तो भी आप उसे बाइक दिलवाओगे? पागल हो गए हो क्या? रमेश बोला, अरे तो इसमें गलत क्या है, पास हो गया तो उसे बुलेट दिलवाऊंगा कॉलेज जाने के लिए, और अगर फेल हो गया तो उसे राजदूत दिलवाऊंगा दूध बेचने के लिए। सोनू बोलता है, अरे मोनू, मैं क्या सोचता हूँ, काश अपनी एग्जाम रिजल्ट का भी इंश्योरेंस होता। मोनू बोला, अबे तो इससे फायदा क्या होता? सोनू बोला, देख, अगर एग्जाम रिजल्ट का इंश्योरेंस होता तो हम एग्जाम के पहले प्रीमियम भर देते, पास होते तो ठीक है, वरना इंश्योरेंस क्लेम करवा लेते। दोस्तों, आप लोग भी शायद एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, गुजरे हुए एग्जाम्स को याद मत करना, गुजरे हुए एग्जाम्स को याद मत करना, आंसर शीट में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करना, जो होगा वो तो होगा, जो होगा वो तो होगा, उसकी फिकर में अपने हॉलीडेज बर्बाद मत करना। एक लड़का शराब की कंपनी क्वीन फिशर में सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू वाले उसे बताते हैं, देखो अभी मई का महीना चल रहा है और 15 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमारी एक भी बॉटल नहीं बिकी। अगर तुम हमारे सेल्स बढ़ाने का कुछ अच्छा आइडिया देते हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की। लड़का बोला, देखो मेरे पास एकदम जोरदार आइडिया है, सभी यूनिवर्सिटी वालों को फोन करके उनको बोल दो कॉलेज के लड़कों का रिजल्ट अनाउंस कर दे, फिर देखो आपकी सभी बॉटल्स रातों रात बिक जाएगी। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई लड़का एग्जाम में पास हो जाता है तो उसकी मॉम कहती है, बहुत खुशी की बात है। उसके डैड कहते हैं, मेरा बेटा शेर है शेर। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, सो स्वीट। और उसके दोस्त कहते हैं, धोखेबाज कुत्ते, कब पढ़ावे तूने इतना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए बीक्यू टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।